Good morning, students. So as that day we studied about the methods of constructing index number. So we learned that index number are of two types, simple index number, weighted index number. So we started with the simple index number, which are those in which special weights are not assigned to different commodities. All commodities are given equal importance. So that's why they are called as simple index number or unweighted index number. Now these can be constructed in two ways. One is simple aggregative and another is simple average of price relatives. So firstly, simple aggregative. ठीक है, simple aggregative में हम index number कैसे calculate करते हैं? हम करंट ईयर प्राइसेस का टोटल बेस ईयर के प्राइसेस के टोटल के साथ डिवाइड कर देते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, P01 इक्वल्स समेशन P1 ओवर समेशन P0 इनटू 100. मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ. जीरो बेस ईयर को डिनोट करता है, वन करंट ईयर को डिनोट करता है. तो समेशन P1 मींस प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन करंट ईयर, टोटल ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज इन करंट ईयर. तो जो भी हमारा करंट ईयर है जिसको हमने वन से रिप्रेजेंट किया है बेटे, ठीक है, उसके टोटल को हमने कह दिया समेशन P1. और बेस ईयर के प्राइसेस का हमने टोटल ले लिया, उसको हमने कह दिया समेशन P0. समेशन P1 ओवर समेशन P0, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास आ गया करंट ईयर का इंडेक्स नंबर. तो इसको हम बेस ईयर के इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे. अब बेस ईयर का इंडेक्स क्या है, इसका मतलब क्या आपको दो सालों का इंडेक्स निकालना पड़ेगा? ये करंट ईयर का हो गया. बेस ईयर का इंडेक्स कैसे निकालते हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द बेस, सॉरी व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ बेस ईयर? एनीवन रेज योर हैंड, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ बेस ईयर? ओके, वन आंसर आई गॉट, समृद्धि राइट. एनीवन एल्स बेटे? सबको बताया हुआ है और एक ही बच्चा मेरे को आंसर दे रहा है, राइट ईशा, किंजल, यस. So only these 3-4 girls are active in the class. What about others? Akshat, what is the index of base year? Summation P0 over summation P1 into 100. मैंने कहा base year का, ये तो current year का है बेटे. Base year का index क्या है? Summation P1 over summation P0. बेटे, that is of current year. उल्टा कर लो. उल्टा भी नहीं है बेटे, ऐसे कैसे हो सकता है उल्टा? कुछ भी आप कर दोगे बेटे. ओके राइट मेघा. बेटे देखो, ये 4-5 गर्ल्स हैं जो सुन रही हैं क्लास में. यस आरजू राइट. बेटे बेस ईयर का इंडेक्स हम हमेशा 100 अज्यूम करते हैं. ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? वी अज्यूम बेस ईयर इंडेक्स टू बी 100. अक्षत, डिड यू हियर? यस मैम. क्या है बताओ, बेस ईयर का इंडेक्स क्या है? 100. ओके अमीश, what is the index of base year? Amit, Ananya, look, so no fun of teaching when you people are not at all paying attention. Ananya, okay, I will be removing the students out. If you're not answering me, I'm removing it. Aryan,
जो बच्चा रिप्लाई नहीं करेगा उसको क्लास में से फिर रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो बेस ईयर का इंडेक्स हम हमेशा एज्यूम करते हैं 100, और जो करंट ईयर का इंडेक्स आया फिर उसको हम 100 के साथ कंपेयर करते हैं, हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंटेज राइज आया है करंट ईयर के प्राइसेस में एज कंपेयर टू बेस ईयर्स प्राइसेस, ठीक है। अब दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि ये फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेटिव कब यूज करना है, ये तब यूज करना है जो डिफरेंट कमोडिटीज जो गिवन हुई गिवन है हमें उन सबके प्राइसेस सेम यूनिट्स में है। ये आप लिख लीजिए, दिस मेथड इज टू बी यूज्ड व्हेन यूनिट्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज इज सेम, व्हेन यूनिट्स ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल द कमोडिटीज आर सेम। देखो यहां पर अगर ये कमोडिटी पी है, इसका प्राइस है से रुपीज 40 पर केजी, ठीक है, तो कमोडिटी क्यू का भी रुपीज 40 पर केजी है, ये भी 40 पर केजी है, ये भी 40 ये 28 पर केजी है, दिस इज 12.5 पर केजी, 10 पर केजी एंड दिस इज 30 पर केजी, ठीक है। अगर ये पर लीटर है, ये पर क्विंटल है, ठीक है, तो उस केस में हम सिंपल एग्रीगेटिव को यूज नहीं कर सकते। सिंपल एग्रीगेटिव तभी यूज करना है जब सारी कमोडिटीज के जो प्राइसेस के यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर वो सेम नहीं है तो वी विल मेक यूज ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है। सो देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू, नोट डाउन, कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2004 taking 1998 as the base year, taking 1998 as the base year, so you are given these three columns, commodities P, Q, R, S, T, prices in 1998 given in rupees. You can read out the figures, prices in 2004. Note this down. Note down kar lijiye question. और क्योंकि 2004 का इंडेक्स निकालना है, इसका मतलब 2004 हमारा करंट ईयर हुआ, इसके प्राइसेस को हम P1 से डिनोट कर सकते हैं, किसके साथ कंपैरिजन करना है 1998 के साथ, इसका मतलब हमारा बेस ईयर 1998 हुआ, इसके प्राइसेस को हम लिख देंगे P0, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला P01 इक्वल्स समेशन P1 over summation P0 in 200, which means we need to do nothing just to find the total of base year prices and current year prices. ठीक है, 210 रुपीज आ गया, P01 हमें कैलकुलेट करना है, यानी इंडेक्स कैलकुलेट करना है 2004 का एज कंपेयर टू 1998, सो वी विल बी पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। नो किंजल, दैट्स नॉट द राइट आंसर, 90 तो आ ही नहीं सकता बेटे, प्राइसेस तो बढ़े हुए हैं, देखो हर जगह प्राइस बढ़ा है, आप 90 शो कर रहे हो, 90 का मतलब प्राइसेस कम हो गए हैं, ठीक है। सो ऑलवेज मेक यूज ऑफ योर कॉमन सेंस,
गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको डेटा ही दिखा रहा है कि प्राइसेस देखो 40 थे 50 हो गए, 28 थे 35 हो गए, 12.5 थे 15 हो गए, इतने थे इतने हो गए, इतने थे तीन गुना बढ़ गए, तो आपका आंसर जो है वो 100 से ज्यादा आएगा। अगर कम हुए होते तो 100 से कम आता। सो यू कैलकुलेट द आंसर एंड गिव मी द रिप्लाई इन द चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। ओके राइट गर्व, सो जिनका आंसर आ गया है वो इसको इंटरप्रेट भी करेंगे। उर्वी राइट, यस हिमांशु जी मैम। मैम जो है जो प्राइस 1998 के प्राइस है मैम वो 120.5 है ना? हाँ जी बेटे लिखा हुआ मैंने टोटल। नहीं मैम मुझे डॉट डेसिमल नहीं दिखाना, मुझे डेसिमल मुझे वो इसलिए पूछ रहा था। ओके आई गॉट थ्री आंसर्स विच आर राइट। आंसर इज 174.27 रुपीज। नहीं आना बेटे इसके साथ, रुपीज रुपीज कैंसल हो गया। ये हमारा इंडेक्स नंबर आया करंट ईयर का, 2004 का इंडेक्स 174 है। अब इसका मतलब क्या कोई बता सकते है क्या मतलब इसका? आंसर आपने अपनी तरफ से लिख दिया जी, P01 आंसर आपको मिल गए 6 मार्क्स। लेकिन आपने क्या सीखा इससे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यू हैव टू इंटरप्रेट इट। सी 2004 का इंडेक्स कितना आया 174। 1998 का क्या एज्यूम किया था जो कि हमारा बेस ईयर था 100, ठीक है? तो बेस ईयर में इंडेक्स था 100, करंट ईयर में इंडेक्स है 174.27। इसका मतलब बेस ईयर के कंपैरेटिवली करंट ईयर में कितना चेंज आया 74.27। लेकिन इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बेस ईयर का कितना था प्राइस 100, जिसके साथ कंपैरिजन करना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं ना, तो उससे डिवाइड कर दिया और परसेंटेज निकालने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, विच मींस देयर हैज बीन, नीचे लिखो इंटरप्रिटेशन, द प्राइस इंडेक्स 174.27 शोज दैट देयर इज a net increase of 74.27% और इसको ब्रैकेट में ये लिख दो ऐसे, पता चल जाए ना, समझाना है हमने ये कैसे आया 74.27। 174.27 माइनस 100 divided by 100 into 100, there has been net increase of 74.27% in prices in 2004 compared to prices in 1998, ठीक है बच्चे? Anyone having any doubt?
Shall I rub it? All right. Bete, there's another formula of calculating simple index number, which is simple average of price relatives. इसको हमने तब यूज करना है जब कमोडिटीज के प्राइसेस डिफरेंट हैं, और जनरली ऐसा ही होता है बेटे. आप अगर 5 कमोडिटीज 10 कमोडिटीज कंज्यूम करते हैं, आप मिल्क कंज्यूम करते हैं, मिल्क का प्राइस रुपीस पर लीटर में आता है. आप राइस कंज्यूम करते हैं, उसका प्राइस रुपीस पर केजी में आता है. आप पल्सेस कंज्यूम करते हैं, वो भी रुपीस पर केजी में आती है. आप पेट्रोल कंज्यूम करते हैं, वो रुपीस पर लीटर में आता है. आप क्लॉथ कंज्यूम करते हैं, उसका प्राइस रुपीस पर मीटर में आता है. तो जब डिफरेंट यूनिट्स है प्राइसेस के, तो आप उसको सिंपली टोटल नहीं कर सकते, है ना. कोई पर केजी में है, कोई पर मीटर में है, कोई लीटर में है, उसको आप एग्रीगेट नहीं कर सकते. तो उस केस में हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. हम हर कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, यानी हम हर कमोडिटी के करंट ईयर प्राइस को प्रीवियस ईयर बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके उसका इंडेक्स निकालते हैं. हर कमोडिटी का रिलेटिव या इंडेक्स निकाल लिया, उसका टोटल लेंगे और उसकी एवरेज निकालेंगे. दोबारा से समझिए, इट्स एन एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, विच मींस द फॉर्मूला इज समेशन आर ओवर एन, वेयर आर इज व्हाट, प्राइस रिलेटिव्स. हमने सारे प्राइस रिलेटिव्स को टोटल कर लिया, उसको नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड कर दिया, हमारे पास इसकी एवरेज आ गई. किसकी एवरेज आ गई? प्राइस रिलेटिव्स की. लेकिन प्राइस रिलेटिव्स क्या है? इट इज पी वन ओवर पी जीरो इन 200. डिफरेंस क्या है दोनों में? आप बोलो मैम ये भी तो फिर यही था, पी वन ओवर पी जीरो इन 200. बेटे दिस वॉज समेशन पी वन. ये सारी कमोडिटीज का प्राइसेस का टोटल है. ये हर कमोडिटी के करंट ईयर प्राइस को उस कमोडिटी के बेस ईयर प्राइस से डिवाइड करके इनटू 100 कर दिया. हर कमोडिटी का आर निकालना है, प्राइस रिलेटिव निकालना है, ठीक है. सो अभी के लिए फॉर्मूला नोट करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं आगे. सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, P01 इक्वल समेशन आर ओवर एन. फिर आर लिखिए, आर इज व्हाट, P1 ओवर P0 इनटू 100. Then write down, this formula is used when units of prices of different commodities are different. Units of prices of different commodities are different. ठीक है? When you have completed it down, just give a thumbs up so that I can start with the numerical. All right, write down the question, bete. Construct index number. Construct index number for the year 2015. Taking 2010 as base year. Construct index number for the year 2015, taking 2010 as base year. First of all, you are given commodities A, B, C, D, E, F. Then you are given prices in
2010 rupees 8 per kg, 15 per liter, 12 per meter, 10 per kg, again 10 per kg, 12.5 per quintal. Then prices in 2015, 10 same units hain jo idhar likhe humne, 36, 14, 12, 17, sorry 17. Note it down. We have to construct index number for the year 2015. So we will be considering it as P1, taking this as base year. So this is to be called as P0. अब हमने इसको aggregate नहीं करना, क्योंकि हम कौन सा method use कर रहे हैं? Simple average of price relatives. तो हमें क्या निकालने? इनके price relatives निकालने. उसका formula क्या है? P1 over P0 into 100. So 10 divided by 8 into 100. सब अपना कैलकुलेट कर लेंगे. ऑल राइट, आप साथ साथ कैलकुलेट कर लीजिए. अब दिस इज अवर फॉर्मूला, समेशन आर ओवर एन. वी हैव गॉट आर हियर, हमें इसका टोटल लेना पड़ेगा. So I got summation R. Which is 961. These are 6 commodities as you can see. So इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे ताकि हम इसकी एवरेज निकाल सकें. ठीक है. So 961 divided by 6. I will be expecting your answer now in the chat box. I would again request not to note down the numericals, bete. Just do it side by side. Theek hai? All right. Samriddhi, right answer. What does it mean? Anyone? Jasmine,
What does this answer mean? How would you interpret it? करंट ईयर का इंडेक्स कितना आया? 160.16. बेस ईयर का कितना एज्यूम किया था? 100. तो इसका मतलब 2010 से लेके 2015 तक देयर हैज बीन 60.16% राइज इन प्राइसेस. ठीक है, इट इंप्लाइज that there has been 60.16% rise. Yes, Harshika, good. There has been 60.16% rise. Bracket mein likh dena kis tarah se. ये माइनस आ गया 60.16 ओवर 100 इन 200. 60.16% राइज इन प्राइसेस इन द ईयर 2015 एज कंपेयर टू 2010. ठीक है, सो रेस्ट वी विल डू टुमॉरो.